सिर्फ और सिर्फ अभी पॉइंट्स को इंडिकेट करने के लिए ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है जी। डायग्राम में कुछ इस तरीके से पॉइंट जो है वो इंडिकेट किए हुए होंगे, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो गले पर, गले का जो जो सेंटर पॉइंट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है जी, थायराइड ग्लैंड। अगर हम चेस्ट की बात करें, चेस्ट में भी बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट जो है ये हमारी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड के बाद में अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहां से हमारी रिब्स जो है डिवाइड हो रही हैं, सेंटर पॉइंट जहां से हमारी रिब्स डिवाइड हो रही हैं, वो सेंटर पॉइंट पैनक्रियास, वो सेंटर पॉइंट क्या है, पैनक्रियास, आपकी डायग्राम में भी मेंशन होगा ये, ठीक है जी। अगर हम पैनक्रियास से थोड़ा सा नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि रिब्स के बिल्कुल प्रॉपर नीचे, तो हमारा क्या पॉइंट है, स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली भी बोलते हैं, जिसको हम प्लीहा भी बोलते हैं, ठीक है जी। अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड की वही सेम रिब्स के नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है जी। अगर हम
सेंटर पॉइंट की बात करें, नाभि से ऊपर जो सेंटर पॉइंट है, अभी आप लोगों ने ये पूछा नहीं कि ये तीन तीन लॉट जो है ये क्यों बनाए हैं या डायग्राम में ये क्यों है, इनका क्या मतलब है। ठीक है जी, जब हम किसी भी पॉइंट को, यहां तक अभी हम सिंगल सिंगल पॉइंट को प्रेस करके या टच करके अभी ये डायग्नोज कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली एब्डोमेन को चेक करेंगे तो उसमें हमें तीन तीन पॉइंट जो है वो चेक करने पड़ेंगे कि किस पॉइंट पर क्या प्रॉब्लम है। जैसे गैस, गैस को हम तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे कि कितनी गैस है। ठीक है जी, तो नाभि से ऊपर पैनक्रियास से नीचे जो सेंटर पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस। अगर किसी भी व्यक्ति को गैस बनेगी तो वो नाभि से जस्ट ऊपर अगर आप चेक करके देखेंगे, जरा सी उंगली टच करेंगे तो उनको बहुत सीवियर पेन होगा। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको जरा सा ही टच करते ही बब्स आने स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको बहुत सीवियर गैस बन रही होती है। ठीक है, अगर हम नाभि से बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, आव या बलगम। ठीक है जी, म्यूकस जो है वो हमारे बिल्कुल नाभि के लेफ्ट हैंड साइड। अगर नाभि के राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो लीवर। अगर किसी को पेट बहुत टाइम से अपसेट होगा या लीवर की कोई प्रॉब्लम होगी या डाइजेशन खराब होगा या इंडाइजेशन होगा तो उसको अगर जरा सा भी टच करेंगे लीवर वाले पॉइंट पे तो बहुत सीवियर पेन होगा। अभी म्यूकस और स्प्लीन के बीच में क्या है, कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी की बॉल मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो हमारे कॉन्स्टिपेशन वाले पॉइंट में पेन होगा टच करते ही। ठीक है जी, अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं डायसेंट्री। डायसेंट्री मतलब डायरिया, पेचेस, लूज मोशन, ये सब। ठीक है, जब हम डायसेंट्री वाले पॉइंट को प्रेस करेंगे और उनको अगर डायसेंट्री की प्रॉब्लम है या डायरिया की प्रॉब्लम है तो बहुत सीवियर पेन होगा। ठीक है, नाभि को हमने मस्ट इसीलिए माना है क्योंकि जब हम पेट को चेक करेंगे तो नाभि को चेक करना सबसे पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पेट सेट नहीं होगा, जब तक नाभि सेट नहीं होगी, किसी भी प्रॉब्लम को हम क्योर नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेंटर पॉइंट जो है वो नाभि का है और नाभि वाले पॉइंट को अगर हम चेक करेंगे और वही सेम प्रेशर डाल के तो हमें पता चलेगा कि नाभि हमारी सेट है या नहीं है। ठीक है, नाभि से अगर हम नीचे आएंगे राइट हैंड साइड में, मतलब नाभि से नीचे राइट हैंड साइड में आएंगे तो वो अपना राइट ओवरी और राइट टेस्टिकल्स के लिए हम चेक करते हैं। राइट ओवरी जो है वो बेसिकली लेडीज में और राइट टेस्टिकल्स जो है वो जेंट्स। ठीक है जी, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, इसके बिल्कुल सेम अपोजिट पॉइंट की बात करें तो वो लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट टेस्टिस के लिए पॉइंट जो है वो होता है। ठीक है, अगर हम नाभि से नीचे बिल्कुल एकदम लोअर एब्डोमेन जिसको बोलते हैं वो हमारा लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए यूट्रस एंड जेंट्स के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, दोनों साइड में जो हमारे ट्रंक जॉइंट है, ट्रंक जॉइंट वाली जो बोन है, अगर इन दोनों पे हम चेक करेंगे जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं तो राइट साइड में फॉलिक एसिड और लेफ्ट साइड में विटामिन B12। ठीक है जी, राइट साइड में फॉलिक एसिड और लेफ्ट साइड में विटामिन B12। तो ये है न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जिनको के हम चेक करके पता कर सकते हैं कि कहां पर पेट में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, तो ये है न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस्टिक पॉइंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड और एल्कलाइन
एसिड और एल्कलाइन क्या है? एसिड और एल्कलाइन क्या होता है? अम्लीय और क्षार। ठीक है जी, अम्लीय हम बोलते हैं एसिड को, अम्ल किसको बोलते हैं? एसिड को। पेट में जो एसिड होता है HCl, उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और एल्कलाइन जो है वो क्या है? क्षारीय। ठीक है, तो हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड, हमारी बॉडी का जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो एसिड का है, और राइट हैंड साइड का पार्ट जो है वो एल्कलाइन का है। अगर किसी को बॉडी में एसिड बढ़ता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सब कुछ ही होगा, उससे सिर दर्द भी होगा, माइग्रेन भी होगा, एसिडिटी तो बनेगी बनेगी, इंडाइजेशन होगा, और जोड़ों में दर्द होगा, नसों में सारे कहीं भी दर्द हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी की एल्कलाइन पड़ी हुई हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, हमने बात की कि एसिड बढ़ने से बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो बेसिकली एसिड बढ़ने के कारण से जो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर एल्कलाइन बढ़ जाए बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एचपी ज्यादा बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन? नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति की बॉडी में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में एल्कलाइन अगर बढ़ जाता है तो उसके मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्पास्टिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएंगे। जनरली अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, जिनको की ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में एल्कलाइन बढ़ा हुआ होता है और इसीलिए उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर स्टिफ होती है। चाहे हम बात करें मोटर न्यूरोन डिजीज की, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, सेरेब्रल पाल्सी की, या फिर हम बात करें हाइपोक्सिया की, डिसलेक्सिया की, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो ब्रेन की प्रॉब्लम है जिनमें की एल्कलाइन बढ़ा हुआ होता है और उनके बॉडी के मसल्स जो हैं वो बिल्कुल एकदम स्टिफ होते हैं। डिसलेक्सिया भी इसी दिक्कत से होता है, एल्कलाइन बढ़ने की वजह से। बेसिकली डिसलेक्सिया में क्या क्या होता है, क्या रूट कॉज है डिसलेक्सिया? तो रूट कॉज यही होगा एल्कलाइन। बेसिकली एल्कलाइन तो बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा, बट डिसलेक्सिया जब होता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं वो टाइट होने लग जाते हैं। अगर किसी को ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो, ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, तो क्या होता है, शरीर उनका दिखने लग जाता है। जब किसी को फिट आता है तो क्यों आता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से आता है। जब हमारे को उबासियां आती है बहुत ज्यादा, किस लिए आती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से आती है। उस टाइम पे क्या होता है हमारी बॉडी में, एक अजीब सी हमारी बॉडी फटीग हो जाती है, जब स्टिफ होने लगती है, या अब लगता है कि अब हमें रेस्ट मोड पे जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो है उससे भी हमारी शरीर की मसल्स स्टिफ होते हैं, और एल्कलाइन तभी बढ़ता है जब ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। तो ये हो गया अपना डायग्नोस्टिक पॉइंट्स। अभी इसको हम प्रैक्टिकली डन करते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है जी, ये तो अभी हमने रिटर्न में कर लिया कि ये ऐसे ऐसे होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है न्यूरोथेरेपी में कि प्रैक्टिकल मस्ट है, इसीलिए हमें हर एक पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? तो अभी गौरव जी वो लगा दो सर।